दिल्ली के मुंडका इलाके में आज जो हादसा हुआ वो वाकई में दिल दहला देने वाला हादसा था, हृदय विदारक वो घटना थी। लेकिन इस पूरे हादसे में ऐसे कई लोग थे जो दूसरे और तीसरे मंजिल पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की। और ऐसे कई वीडियोज हमने देखे जिसमें इस तरह से कुछ महिलाएं जो हैं वो रस्सी के सहारे नीचे उतरी, खिड़की से नीचे उतरी, खुद को तो रेस्क्यू उन्होंने किया ही, अपने आप को भी बचाया और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी उन्होंने जान बचाने की इस पूरे हादसे में कोशिश की है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ममता जी मौजूद हैं जो उस घटनास्थल पर मौजूद थी और इस वक्त हालांकि वो इंजर्ड हैं, घायल हैं, उनके हाथ पर भी चोटें आई हुई हैं, उनके पैर भी पैरों में भी सूजन है और इसका कारण ये है कि ये खुद भी उस घटनास्थल पर मौजूद थी और इन्होंने अपने आप को रस्सी के सहारे उतारकर अपनी जान बचाई है। ममता जी, आपने कैसे अपने आप को बचाया वहां से, आप बता पाए कि किस तरह की वहां पर स्थितियां थी? बहुत बुरा स्थिति थी वहां पे, एकदम धुआं से भरा हुआ था, हम सब उसी के अंदर बंद थे और सब एकदम एक दूसरे से घबरा रहे थे, खूब परेशान हो रहे थे सब वो लोग, और बचाने के लिए अब एक दूसरे को बहुत कोशिश कर रहे थे पर बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ से बचे। और कितने आप समय बता सकते हैं कि लगभग कितने बजे की घटना थी? लगभग चार बजे के बाद की बात है, चार दस पे ये घटना हुआ था और कम से कम तो छह सात बजे तक उसमें से सबको निकाला जा रहा था। और आप कौन से माले पर थी, आप कौन से फ्लोर पर थी जब ये घटना हुई? फ्लोर पे थे, तीसरे फ्लोर पर थे। और कितने लोग मौजूद थे तीसरे फ्लोर पर? लगभग सभी थे, कितने होंगे? कम से कम 200-250 आदमी थे। 200-250 आदमी थे, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो धुआं होने लगा, सब घबराने लगे और एक दूसरे से बचाने की कोशिश करे, शीशा तोड़ने लगे, शीशा टूट नहीं रहा था। किस तरह से आपने शीशा तोड़ने की कोशिश की? कुछ नुकीले हथियार थे, किस चीज से तोड़ा? हमने सुना कि वहाँ पर कोई क्रेन भी आई थी जिसने शीशा तोड़ा। किरण तो बाद में आया, बहुत बाद में किरण, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वो सब बाद में आए। हाँ। उससे पहला सब हम ही लोग सब वहाँ पे सब तोड़ा तोड़ा कर रहे थे, मन नहीं टूट पाया उससे, जब बाद में किरण आया, किरण से तोड़ा गया और उसके बाद जो है रस्सी डाल के बांधा और उसी से सब उतरे। जब स्थितियाँ इतनी खराब थी, चारों ओर आग फैली हुई थी, तो आपने कैसे सोचा कि आप अपने आप को रेस्क्यू करेंगे, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे? वो तो सब वही लोग थे जो रस्सी डाल रखा था उसी की जरा से सब उतारा, सब एक दूसरे एक एक करके सब उतारा गया वहाँ से। और क्या, आपने चुन्नी से रस्सी बनाई या रस्सी बनी हुई थी? क्या बांध रखा था वहाँ पे? किसने बांधा था रस्सी? वो फैक्ट्री का लेबरों ने बांध दिया था जो वहाँ पे काम करते हैं सब। कौन से मंजिल से उतरी आप फिर नीचे? तीसरी मंजिल से। जरा सा भी डर नहीं लगा उतरते वक्त कि तीसरी मंजिल से नीचे आना? डर तो लगा था, बहुत डर लगा। हम डर लगे तो जो डर लगा वो ऊपर ही रह गया और हमें भी डर लगा, मगर हम भी फिर भी हिम्मत से कूद गए, नीचे ही सब था जो उन्होंने पकड़ लिए। उसके बाद क्या हुआ मैं पता नहीं, बहुत उसके अंदर लेडीज थी, बहुत मैंने उसके अंदर इतनी पब्लिक है, इतनी आग उसके अंदर था, एक दूसरे को बचाने की कोशिश इतना कर रहे मगर बच नहीं। आपने भी ममता जी किसी को बचाने की कोशिश की? आपके आसपास कितनी महिलाएं थी जिनको आपने खुद अपने साथ साथ बचाने की कोशिश की? बहुत लड़कियां थी, सब उतरे एक दूसरे। आपने अपने से पहले किसी को उतारा? हाँ। किस को उतारा आपने अपने से पहले? हमसे पहले और भी दो तीन लड़कियों को उतारे, एक लेडीज उतरी, फिर उसके बाद हम उतरे। आपने क्या कहा उनको कि हमसे पहले आप उतरी, ऐसा आपने उनको कहा? क्यों? कम उम्र की थी वो इसीलिए? हाँ जी। क्या उम्र थी उनकी? ज्यादा नहीं, वो 16-17-18 साल की लड़कियां थी। और आपने उनको पहले उतारा और उसके बाद फिर आप उतरी। आप बता पाएंगे किस तरह से हुआ था ये घटनाक्रम ये वाला? नहीं, हम नहीं बता पाएंगे, हम सब एक ही जगह थे, नीचे आग लगा हुआ था और नीचे से कैसे आग लगा पता नहीं चला किसी को। अच्छा। सभी ऊपर थे। हाँ। मालिक भी सब ऊपर थे, सारे लेबर सभी ऊपर थे। हाँ। बाहर से भी कुछ आदमी आए हुए थे, वो भी सभी ऊपर ही थे। हाँ। और किस तरह आग लगा पता नहीं चला। उसके बाद आपके बाद आपको याद है कि ऊपर कितने लोग और फंसे हुए थे? नहीं, मेरे बाद उसमें बहुत ही औरतें थे, बहुत बच्चा थे, पर कितना था ये नहीं बता सकती हूँ।
था कम से कम, अभी भी उसके अंदर जब मैं उतरी उसके अंदर कम से कम तो 100 से भी औरतें ज्यादा ही थे, लेडीज और बच्चा लड़का लोग थे। आग अचानक से कैसे भड़क गई, इतनी इतनी तेज आग अचानक से? इतना प्लास्टिक की सामान था, इतना फाइबर था और जी क्या बोले केमिकल थे और लाइट है ने उसके अंदर जगह जगह लाइट फिट था, किस तरह कैसे लगा पता नहीं चला। अभी अभी जो है मतलब अभी आपकी स्थिति किस तरह से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपके हाथों में भी चोट लगी हुई है और आपके पैर भी सूजन है, ये क्या आप उस रस्सी से कूदे इसीलिए था? हाँ जी रस्सी से गिरी थी नीचे। रस्सी से कूदे फिर आप गिरे कहाँ पर? नीचे ही गिर गए? नीचे गिर गई थी, छूट गया था रस्सी हाथ से, नीचे ही गिर गई थी। सारे आदमी नीचे था, उन्होंने पकड़ा, फिर भी गिर गई थी। लेकिन फिर भी आपने बहादुरी दिखाई, अपने आप को बचाया। हाँ जी क्या चल रहा था आपके मन में? आपके परिवार की ही केवल सोचकर आप आए, क्योंकि हमें बताया गया कि आप इकलौती अर्निंग मेंबर हैं, आप इकलौती हैं जो परिवार में कमाती हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या एक वो माँ की शक्ति थी जो आपको यहाँ तक खींच लाई? सब ऊपर वाले का कृपा थी जो बची गई, कुछ ऊपर वाले का कृपा, कुछ अपनी हिम्मत। बहुत सारे आते, बहुत सबने हिम्मत दिखाया, सबने एक दूसरे को साथ दिया, एक दूसरे ने हिम्मत दिए, सहारा दिए, इस तरह सब उतरे हैं। बाकी जो है जो उसी के अंदर रह गया, पता नहीं उनको क्या हुआ, कैसे निकला नहीं निकला हमें पता नहीं। आपके जानकार जो है कुछ संपर्क हो पाया आपसे, कितने लोगों को जानते थे आप? क्योंकि हमें बताया गया कि आप 8 दिन से ही फैक्ट्री में काम कर रही हैं केवल, तो जान पहचान हुई होगी, किससे बातचीत हुई? हाँ जी बहुत जान पहचान था, हमारी कॉलोनी के भी सब था, मगर वो कोई नहीं निकल पाया। लेकिन आपने हिम्मत दिखाई। हम थे, हमारे साथ एक लड़का था अविनाश नाम का, वो उसने बहुत मदद किया सबको। देखिए सबको, तो देखिए यहाँ पर ये ममता जी हैं जो अपनी कहानी बयां कर रही हैं और किस तरह से ये बता रही हैं कि इन्होंने अपनी जान बचाने से पहले कुछ 2 से 3 लड़कियों की भी जान बचाई जिनकी उम्र बेहद कम थी, जो शायद 16 या 17 साल की थी, उनकी जान पहले इन्होंने बचाना जरूरी समझा और उसके बाद अपनी बच्चों के लिए अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए इन्होंने तीसरी मंजिल से उस रस्सी से छलांग लगाई और आज वो यहाँ पर सकुशल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है।